हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियोवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, दिसंबर के बाद भी मिलता रहेगा मुफ्त राशन। जी हां, मोदी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। 2020 में कोरोना के कारण लगे हुए लॉकडाउन के बाद शुरू हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। मोदी कैबिनेट ने इस पर मुहर भी लगा दी है। इस योजना के तहत प्रति महीने 5 किलो गेहूँ और चावल मुफ्त में दिया जाता है। वन रैंक वन पेंशन योजना में किया गया रिवीजन, अब 25 लाख लोगों को होगा इसका लाभ। जी हां, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि वन रैंक वन पेंशन का रिवीजन किया गया है। पहले 20,60,000 पेंशनरों को लाभ मिलता था, अब रिवीजन के बाद 25 लाख पेंशनर हो गए हैं। इससे सरकार पर 8,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। वन रैंक वन पेंशन का रिवीजन करते हुए इसमें 25,13,002 सैनिकों को जोड़ा गया है। एनडीटीवी के नए मालिक बने गौतम अडानी, इतनी है उनकी हिस्सेदारी। जी हां, एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने अपनी हिस्सेदारी गौतम अडानी को ट्रांसफर करने का फैसला किया है। प्रणय और राधिका की एनडीटीवी में कुल हिस्सेदारी 32.26% है। इसमें से 27.26% हिस्सेदारी अडानी ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे। इसी के साथ ही अब गौतम अडानी एनडीटीवी में 64.71% हिस्सेदारी के साथ एनडीटीवी के नए मालिक बन गए हैं। राजस्थान में सेकेंड ग्रेड टीचर परीक्षा का पेपर हुआ लीक, आरपीएससी ने रद्द किया एग्जाम। जी हां, राजस्थान में सेकेंड ग्रेड अध्यापक भर्ती के लिए परीक्षा होनी थी, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही परीक्षा का पेपर आ चुका था। भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो जाने के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग ने परीक्षा निरस्त कर दी है। इस पेपर के लीक होने के मामले की जाँच के लिए पुलिस और एसओजी को आदेश दिया गया है। ट्विटर ने शामिल किया नया फीचर, अब यूजर 60 मिनट के वीडियो को भी कर सकेंगे अपलोड। जी हां, ट्विटर ने नया फीचर जोड़ने का ऐलान किया है। ट्विटर की तरफ से कहा गया है कि अब ब्लू टिक यूजर अपने अकाउंट के जरिए 1080 पिक्सल और 2GB साइज वाला 60 मिनट का वीडियो अपलोड कर सकते हैं। यह सुविधा ट्विटर में iOS और एंड्रॉयड दोनों यूजर के लिए उपलब्ध कराई गई है। चीन में अगले हफ्ते पीक पर होगा कोरोना, एक दिन में आएंगे 3,70,00,000 केस। जी हां, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में अगले हफ्ते कोरोना अपने पीक पर होगा। इस दौरान एक दिन में 3,70,00,000 कोरोना के मामले आ सकते हैं, जो कि एक दिन में आए अब तक के सबसे ज्यादा केस होंगे। ऐसे में पहले से डवाडोल चीन का पब्लिक हेल्थ सिस्टम धराशायी होने के कगार पर पहुंच जाएगा। बीपीएससी पेपर लीक मामले में ईओयू ने केस दर्ज करके छापेमारी की शुरू। जी हां, बीपीएससी पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने जांच शुरू कर दी है। इस मामले में ईओयू ने प्राथमिकी दर्ज करके छापेमारी शुरू कर दी है। स्टैटिक मजिस्ट्रेट के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जाँच के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है। आपको बता दें कि शुक्रवार को एग्जाम शुरू होने के कुछ ही देर बाद पेपर लीक हो गया था। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।